असि गुआई ने सुना गे त्यारो इन्हां दी गुआई मैं तुहानूं दस देना क्योंकि गड्डी इन्हां नूं परमेश्वर ने दित्ती गड्डी नाल ब्लेस कीता किन्ने जणे नूं पता है पता है इन्हां नूं परमेश्वर ने गड्डी दित्ती है और जदों गड्डी इन्हां लई नवीं नवीं गड्डी चिंता किद्दां किस्तां दा होएगा गड्डी चलेगी तां किस्तां देवेगी जे खड़ी होएगी तां किस्तां नहीं तरन गया और इन्हां नूं मैं कहां हिम्मत ना हारना बने रहना सेवा दा मौका मिले तां सेवा करना ये ना सोचना कि संगत किराया दे रही जा नहीं दे रही समझ लग रही मैं गड्डी तोड़ देना चाहे ताजपुर लेके जाना चाहे कबाए लेके जाना तोड़ देना परमेश्वर अनुग्रह करेगा एक समा बीजन दा हुंदा एक समा वड्डन दा हुंदा हुंदा कि नहीं जे असी फसल बीजीए तां वड्डन दा समा आ गया दिन पर रात मेहनत कीती है और इन्हां नूं आखे बने रहना पैसों के पिछे नहीं जाना परमेश्वर के पिछे जाना कितने पिछे जाना है परमेश्वर के पैसा पिछे चल के आएगा क्योंकि वचन लिखा है तू मेरे पिछे आ बरकत पिछे पै के तेन मिलन गया सारे बला ले लिया और इन्हों बने रहना हिम्मत ना हारना तेरी गड्डी नहीं रुकेगी जा तेन कह दिता है गड्डी नहीं रुकेगी और गड्डी लगातार चल रही दिन पर रात हुण भी गड्डी चलदी दी जोर दी तारीफ करो ए इत्थे ने करे गड्डी उत्थे चल रही है पैसे वाली मशीन चल रही है कि नहीं चल रही पैसे वाली मशीन चल रही है दिन पर रात नोट छापी जा रही है सारे बोला ले लिया और ये परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सारे दी गड्डियां घरां दे च खड़ियां ने बंद पर इन्हां परमेश्वर दे पिछे आना चाहे और प्रॉफिट बजिंदर ने बोलिया है कहिंदा उत्तम बीज कौन बीज सकदे ने फिरोजपुर दे विच मीटिंग सी पिछले दिनां दे च दाणा मंडी दे च और प्रॉफिट बजिंदर ने बोलिया कि उत्तम बीज बीजो उत्तम और जिदा इन्हें उत्तम बीज बीजा 5-10 हज़ार रुपया और परमेश्वर ने होर भी अनुग्रह किया जिथों तक गड्डी नहीं जाती सी किन्ने किन्ने किलोमीटर ते हुण जा रही गड्डी 700 किलोमीटर ते जा रही है जोर की तारीफ करो दिन पर रात गड्डी चल रही है और परमेश्वर का अनुग्रह होया है बीज बीजा तो परमेश्वर ने फल दिता रखा नहीं परमेश्वर ने किसी का कर्जदार नहीं होंदा और लगातार दसवंध कढ़दे ने जे गेड़ा आंदा है गेड़े दे विच परमेश्वर नूं दसवंध देंदे ने परमेश्वर दसवंध दे रहा है और परमेश्वर होर ज्यादा ब्लैस करता है होर और परमेश्वर एक समा देखता है मैं पैसे थोड़े देख देखना है भला मेरे लिए की करता है और इन्हों मैं कह परमेश्वर के कामों लिए लगाई रखना समझ लग रही है असं अपने कामों लिए लगाते हैं जो पैसा साढ़े को आता है असं सोचते हैं कि असं अपनी जरूरत को पूरा करांगे जब असं सोचांगे कि परमेश्वर के घर के इन्हों मैं समझाया मैं कह जेकर घर के असं 5 हज़ार का सौदा लैके आते हैं तो 500 का या 400 का चर्च के लैके जाना चोरी समझ लग रही जे चर्च के लंगर लगा रहे हैं जे संगत को लंगर खवा रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं तो परमेश्वर होर ज्यादा बरकत देता है सारे बला ले लिया क्योंकि वचन लिखा है मेरे भवन दसवंध लिया के मेरे भवन भोजन होए और साढ़े चर्च लगातार भोजन चल रहा है हर हफ्ते असी लंगर उत्थे करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह होंदा है बहुत बार कदे पकौड़े कदे ब्रैड कदे गुलाब जामुन कदे समोसे कदे टिक्कियां और आने वाले दिनों च साडा पूड़ियां दा लंगर शुरू हो रहा है परमेश्वर दा अनुग्रह जिद्दां ही पवित्र आत्मा दा अनुग्रह होएगा और असीं उद्दां ही करांगे समझ लग रही क्योंकि बीज इन्हां बीजा तां परमेश्वर ने इन्हां नूं फल दित्ता मैं सच इन्हां दी होर गवाही है क्योंकि गड्डी ते जदों बाहर जांदे ने एक बार इन्हां नूं सप्प दा हो गया
फूका वज्जिया, पता नहीं किदा होया, पैर दा इन्हां दे छाले हो गए, पैर गाल गया। और बहुत सारिया ने कहा कि तुसी मांदरी दे कोल दाम कराओ, झाड़ा दाम फूका तागा वो करो। और इन्हें मैंने फोन किया, मैं कहा ना दाम ते ना फूका ते ना तागा ना तवीत, परमेश्वर दी सामर्थ। इत्थों प्रार्थना करा दे परमेश्वर ते चमत्कार करे दा, जोर दी तारीफ करो। मैं कहा चिंता ना करना, बहुत जने ने कहा के तू ज्यादा लत गल रही है, ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं कहा नहीं आएगी, मैं कहा चिंता ना करना, लत सही होएगी, तो बिल्कुल सही होएगा। किदो फूका फका मरवाया नहीं, किदे दम झाड़ा धागा तवीत नहीं होया, सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना ना सही हो गए। हुण तुसी प्रार्थना करवानी मेरे को, किसी की भी प्रॉब्लम आ जाए, तैयार हो सारे।